पापा से आया ये करने धमाके है मौका ये बड़ा अब टीम्स बना ले करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमा ले दम किसके है खेल में सबको दिखा दे बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी बल्ले बाजी अकेले ना खेल ले ले दोस्तों को साथ भी तो जी आईपीएल का एक और बड़ा मुकाबला इस बार रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस भिड़ेंगी विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और याद होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपना पिछला मैच हार गई थी जबकि मुंबई इंडियंस पहले मैच हारने के बाद अब ट्रैक पर आ चुकी हैं तो टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है दोनों का दुबई में मैच खेला जाना है यानी कि मुंबई इंडियंस जो अबू धाबी में बेस्ड हैं वो ट्रैवल कर रही हैं दुबई ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए एक होम गेम है अब क्या फिगर आउट करना है देखिए वैसे तो थोड़ी जल्दबाजी होगी अगर आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए एक दिक्कत जो है वो ये है कि एक तो उमेश यादव और दूसरी तरफ हैं डेल स्टेन हालांकि डेल स्टेन बड़े प्लेयर हैं बड़े फास्ट बॉलर हैं और रिदम अभी उनकी शायद से उनको मिल नहीं पाई है थोड़ा बहुत किस्मत पे भी डिपेंड करता है कुछ मिसफील्ड्स हो जा रहे हैं कुछ कैचेस ड्रॉप हो जा रहे हैं तो वो एक चीज़ एक कंसर्न हो सकता है बट क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कुछ चेंजेस देख रही है मुझे लगता है कि इशरू उडाना जो हैं जो श्रीलंका के रिक्रूट हैं इस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आप उनको देख सकते हैं बट अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी होगा कि यार एक नीजर्क रिएक्शन होगा आपने अपने फास्ट बॉलर्स को जिन्होंने इतने टाइम से गेंदबाजी नहीं करी है आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए सेटल डाउन होने के लिए उनकी रिदम वापस लाने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं और बट अगर आप इशरू उडाना को लाएं एटलीस्ट क्योंकि देखिए आपको गेम टाइम सबको देना पड़ेगा जिस हिसाब से हमने देखा है एनर्जी सैपिंग कंडीशंस हैं यूएई में मतलब बैट्समैन के लिए भी पूरे 20 ओवर लास्ट करना देख सकते हैं हम कितना डिफिकल्ट हो जाता है तेज गेंदबाजों के लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है तो आपको रोटेट भी करने पड़ेंगे अपने रिसोर्सेज अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उनको रोटेट करें अब मैं आपको बताता हूं कि जी टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है टीम कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि अगर आप डेल स्टेन को भी खिलाना चाहते हैं आप इशरू उडाना को भी खिलाना चाहते हैं तो उसमें उमेश यादव की यानी आप बलि दे रहे हैं अब उमेश यादव को आप टाइम देंगे कि वो भी सेटल कर जाए अब अगर आप उमेश यादव को लाते हैं उमेश यादव को हटाते हैं इशरू उडाना को लाने के लिए तो उसमें आपको एक फॉरेन प्लेयर अपना कम करना पड़ेगा क्यों तो उसमें यह हो सकता है कि आप शायद से जॉश फिलिप जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन हैं आपको उनको एक्सक्लूड करना पड़े उनको बाहर करना पड़े अपनी 11 से तो उस केस में आप पार्थिव पटेल को देख सकते हैं बट पार्थिव पटेल डाउन दी ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर में अगर वो नीचे आते हैं क्या वो उतने इफेक्टिव होंगे जितने वो ओपनिंग या टॉप ऑफ दी ऑर्डर अगर वो बैटिंग करते हैं थोड़ा सा अनलाइकली है थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझे लगता है बट अगर टीम बैलेंस आपका बनता है तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अदरवाइज आप सिंपली इशरू उडाना को रिप्लेस कर दीजिए डेल स्टेन की से और डेल स्टेन को थोड़ा बाहर आप रेस्ट करवाइए थोड़ा लेट हिम गेट हिज थॉट्स बैक सब कुछ तो उस हिसाब से आपके ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपका सेट है जी देवदत्त पडिक्कल और एरन फिंच विराट कोहली एबी डिविलियर्स और ये आपका टॉप ऑर्डर है उसके बाद शिवम दुबे हैं शिवम दुबे ने गेंदबाजी से यार उनकी काफ़ी इफेक्टिव हो रही है क्योंकि लोग स्लोअर डिलीवरीज डाल रहे हैं और उनको बीच में ना मारना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि विकेट अब स्लो हो चुकी हैं वो गेंदबाजी भी उस पेस से नहीं कर करते हैं तो उनको थोड़ा उठाना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है उनकी बॉल शायद से रुक के आ रही है टू पेस्ट विकेट्स अगर हों तो और गेंदबाजी में जी युजवेंद्र चहल ने तो दिखा ही दिया है कि उनकी काबिलियत क्या है वो जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं वो मतलब हर चीज़ में अपनी पीक पे हैं इस बार अब इस वक्त तो वॉशिंगटन सुंदर हैं उनके साथ दूसरे स्पिनर और तेज़ गेंदबाजी अगर देखी जाए नवदीप सैनी थोड़ा बहुत कभी कभार वो थोड़ा ना इराटिक हो जा रहे हैं लाइन को लेकर अदरवाइज़ जिस हिसाब से उन्होंने अभी तक गेंदबाजी करी है बहुत बहुत इम्प्रेस करा है उन्होंने और सबसे अच्छी बात उनकी यह है कि उनकी जो स्टॉक डिलीवरी है जो वो तेज़ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते उनको पता है उनकी एबिलिटी क्या है तो वो उस पर रिलाय करते हैं
नवदीप सैनी ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। डेल स्टेन, जैसे मैंने बोला, डेल स्टेन को आप चाहें तो इशरू उडाना के साथ रिप्लेस कर देते हैं, बट वो टीम को देखना पड़ेगा कि उन विराट को देखना पड़ेगा कि उनका बैलेंस क्या बनता है। अगर आप सडनली चेंज करते हैं तो वो एक नीजर्क रिएक्शन भी हो सकता है। मुंबई इंडियंस की बात करें, आई थिंक मुंबई इंडियंस अपनी 11 रिटेन करेगी और चाहेगी कि एक और टिक के साथ, एक और जीत के साथ वो आगे बढ़े। तो ये है, बट विराट को, आरसीबी को आई थिंक ये मैच जीतना चाहिए, और बाकी देखते हैं।